आईपीएल 2024 का 41वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 35 रनों से शानदार जीत दर्ज की। बेंगलुरु ने हैदराबाद को उन्हीं के घरेलू मैदान पर शानदार तरीके से हराया। बता दें, इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। टीम ने दो दफा आईपीएल में बने सबसे बड़े स्कोर को तोड़ा है, मगर आरसीबी के खिलाफ टीम 207 रनों का लक्ष्य का पीछा ना कर सकी। अब इस दूसरी जीत के बाद भी पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। टीम अब भी 10वें पायदान पर है। ऐसे में आइए चलिए जानते हैं, क्या अभी भी टीम क्वालिफाई कर सकती है? आरसीबी को अभी कुल 5 मैच और खेलने हैं। यदि टीम बाकी बचे सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करती है तो टीम के कुल 14 अंक हो जाएंगे। 14 अंक प्राप्त करने के बाद आरसीबी को उम्मीद करनी होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें 14-14 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट को खत्म करें। अगर इन सभी टीमों के पास भी 14 पॉइंट रहते हैं तो आरसीबी अच्छे रन रेट हासिल कर टॉप 4 में पहुंच सकती है। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि आरसीबी बाकी बचे मुकाबले में एक भी मैच हार जाती है तो फिर उसका प्लेऑफ में पहुंचना असंभव हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, दिल्ली और गुजरात की टीमों में से किसी के पास भी 16 पॉइंट हो गए तो आरसीबी प्लेऑफ की रेस से सीधा बाहर हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस सीजन आरसीबी क्वालिफाई कर पाती है या नहीं।